आज की वीडियो हमारे पास है LG Neo 7 जो कि काफ़ी ज़्यादा तगड़ा फ्लैगशिप फ़ोन है 30,000 के अंडर। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बढ़िया लगता है फ़ोन देखने में, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा सेक्सी हमें देखने को मिल जाती है। साथ ही अगर बात करूँ ब्लू कलर तो मतलब ऐसा धमाल मचा के रखा है मार्केट के अंदर कि अगर तुम लेने का तुम्हारा मन कर ही जाएगा। IQ Neo 6 के बारे में तुम्हें पता है, पर IQ Neo 7 आज ही तुम ऐसे सुन रहे होगे, तो भाई आज इसका फुल रिव्यू करने वाले हैं, वीडियो में एंड तक बने रहना। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था फोन काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिल जाता है। तो पहले हम बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की। तो लॉन्चिंग डेट की अगर मैं बात करूँ भाई, ये इसी साल लॉन्च हुआ फरवरी 16 को, और मार्केट में उसी टाइम भाई अवेलेबल हो चुका था बाय करने के लिए। तो हम बात करते हैं भाई पहले बॉडी की। बॉडी जो है भाई हमें काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिली है। थिकनेस की पहले बात करते भाई 8.6 की हमें थिकनेस देखने को मिल जाती है, और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ वेट की तो हमें देख मिलता है 193 ग्राम्स का हमें वेट देखने को मिलता है। ग्लास फोन देखने को मिलता है, बट ये प्लास्टिक बैग है, बस ये कैमरा वाला सिस्टम जो है बस ये ग्लास का, ये पूरा प्लास्टिक बैग देखने को मिलता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा गैप देखने को मिल जाता है बॉडी के अंदर, मतलब फ्री स्पेस देखने को हमें बॉडी के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड गाइस, जैसे कि मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा हमें तगड़ी डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है, हमें 500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है जो कि काफ़ी अच्छा देखने में, और साथ ही हमें एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, सुपर एमोलेड होती है, मतलब सेक्सी, मतलब बिल्कुल मज़ा आया था। और अगर हम बात करूँ भाई इसके प्रोसेसर की, तो हमें देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 8200 4nm प्रोसेसर देखने को मिलता है। और क्या चाहिए तुम्हें गेमिंग के लिए, हमें देखने को मिला है यार 1080p की क्वालिटी देखने को मिली है, 2400 पिक्सल देखने को हमें मिल जाते हैं। तो अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस हमें अच्छी खासी देखने को मिलती है, एंड्रॉइड 13 के साथ हमें देखने को मिल जाता है, और साथ ही साथ अगर MediaTek का प्रोसेसर डायमेंसिटी आपको देखने को मिलता है 8204 नैनोमीटर का देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ भाई मेन टॉपिक के ऊपर, मेमोरी के ऊपर, मेरे पे कौन सा वाला वेरियंट है, तो गाइस मेरे पे जो वेरियंट है 128 GB, और रैम जो है मेरी 8 है, ये हमारा पहला वेरियंट है। इसके अलावा हमारा दूसरा वेरियंट मिलता है 256 वाला 12 GB रैम के साथ। और अगर मैं कैमरा की बात करूँ, हमें कैमरे काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं भाई, 64 MP का हमें कैमरा देखने को मिल जाता है, यार 64 MP का, और उसके ऊपर ही हमें देखने को मिल जाता है डेप्थ कैमरा देखने को मिल जाता है, और नीचे हमें मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ LED फ्लैश देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी LED फ्लैश है, ब्राइट काफ़ी ज़्यादा तगड़ी है। सो गाइस, अगर मैं सेल्फी कैमरा की बात करूँ भाई, 16 MP का हमें बीच में पंच होल देखने को मिल जाता है, और ये भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिला है, कैमरा काफ़ी तगड़ा है ये वाला भी। हमें अब दोनों की पहले बात कर लेते हैं कि हमें क्वालिटी क्या क्या देखने को मिलती है भाई। पीछे की साइड हमें देखने को मिलती है 4K 30 FPS देखने को मिल जाती है, और वहीं पे जो फ्रंट वाला भाई उसमें हमें देखने को मिलता है 1080p 30 FPS देखने को मिल जाता है, तो ठीक है। सो गाइस, अगर स्पीकर की बात करूँ, स्पीकर से हमें काफ़ी लाउड स्पीकर देखने को मिलते हैं, स्टीरियो स्पीकर हमें देखने को मिल जाते हैं, विद हमें टाइप सी देखने को मिल जाता है। और अगर मैं बात करूँ माइक, हमें ऊपर की साइड मिल जाता है, नीचे की साइड माइक देखने को मिलता है डिजिटल माइक से, तो अच्छी बात है, मिलने भी चाहिए। सो गाइस, अगर हम बात करूँ भाई सिम ट्रे की, तो हमें इधर देखने को मिलती है नैनो सिम ट्रे देखने को मिलती है, डुअल सिम स्लॉट है इसके नीचे, मेमोरी कार्ड का स्लॉट नहीं देखने को मिलता है, आप देख सकते हो SIM 1 और SIM 2 देखने को हमें मिल जाती है, तो अच्छा है, इसको डाल देते वहीं पर ही जहाँ पर था ये। तो अब बात करते बैटरी परफॉर्मेंस की। बैटरी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, 120W का वायर चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी क्लेम करती है कि 25 मिनट में पूरा का पूरा चार्ज हो जाएगा ये फ़ोन। तो 5000 mAh 25 मिनट में पूरा चार्ज होने का क्लेम करती है कंपनी। एंड प्राइस रेट की बात करूँ भाई, 30,000 का फ़ोन है, तो मैंने यही कहा था कि IQ Neo 6 और IQ Neo 7 का दोनों का ही सेम बजट है, तो आप ले सकते हो दोनों में से कोई से भी, दोनों 90 FPS सपोर्टेड है। तो चलो आगे बात करते हैं। सो गाइस, ये हमारे नॉर्मल कैमरा की फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी देखने को मिली, शार्पनेस काफ़ी अच्छी हमें मिलती है इस फ़ोन में, तो मेन कैमरा की फ़ोटो तो काफ़ी अच्छी लगी। ये हमारी पोर्ट्रेट थी, और पोर्ट्रेट में भी काफ़ी अच्छी डिटेलिंग इसने करी है, और जितना हो सका उतना ज़्यादा इसने डिटेलिंग अब हमारी निकाल के दी है, तो सही है। और यहाँ पे हमारा 68 MP की फ़ोटो जो कि एवरेज कहूँगा, ज़्यादा अच्छी मेरे को लगी नहीं, और ये हमारी 10x जूम के साथ थी, और ये भी ठीक ही है, एवरेज है ये भी, इसको भी मतलब नॉर्मली रेटिंग देना चाहूँगा मैं। ये हमारी मैक्रो की, तो मैक्रो की भी अच्छी खासी निकालती थी, और मतलब जो फोकस है ना, फोकस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लेता है, हर चीज़ में जो डिटेलिंग काफ़ी सही दे रखी है फ़ोन वालों ने। और ये हमारी है, ये हमारा स्लोमो है 240p के साथ है, तो काफ़ी अच्छा स्लोमो हमें देखने को मिलता है, तो स्लोमो वाइज भी काफ़ी सही इसने किया है कैप्चर, जितना हो सके उतना उसने कैप्चर करने की कोशिश करी है। और ये हमारा उससे थोड़ा कम स्लोमो, बट अच्छा है ये वाला भी, ये दोनों स्लोमो 1080p के अंदर हमने शूट करे, और काफ़ी मतलब डिटेलिंग सही है, और स्लोमो भी काफ़ी अच्छे है, अगर आप स्लोमो के शौकीन है तो बिल्कुल ले सकते हो वाला फ़ोन आप।
सो गाइस जो भी आप अभी देखो मैक्स सेटिंग है इसकी 1080p 30fps में शूट कर रहा हूँ अभी ये फिलहाल, और डिटेलिंग आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा फोकस ले रहा है बैक में भी और मेरे फेस में काफ़ी अच्छा फोकस इसने ले रखा है। और कलर की बात करूँ कलर भी काफ़ी शार्प कलर से निकाल के दे रहा है, तो मतलब अच्छा है फोन, मतलब डिटेलिंग वाइज काफ़ी अच्छा है मेरे को लगा। और माइक में कोई एडिशनल माइक यूज़ नहीं कर रहा इसी फोन का माइक, और माइक की क्वालिटी आप भी सुन सकते हो काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगी मेरे को इस माइक की क्वालिटी। तो यार व्लॉगर्स जितने भी मेरे व्लॉगर्स दोस्त हैं यार आप ले सकते हो फोन, काफ़ी अच्छा लगा तुम्हारे लिए, पहले कह रहा हूँ बहुत बढ़िया है फोन, तो लेना चाहो तो ले सकते हो। और फ़ोन में और भी कोई कमी लगे तो मेरे को बता देना, नीचे कमेंट कर देना मैं आपको बता दूंगा। सो गाइस कलर्स की बात करूँ कलर्स हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं गेम के अंदर। सेटिंग पे गया एंड अपना जाएगी ग्राफिक्स में, तो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम, बैलेंस प्लस अल्ट्रा, HD प्लस अल्ट्रा, HDR प्लस अल्ट्रा और अल्ट्रा HD आपको स्पॉट देखने को नहीं मिलता। तो चलो कोई बात नहीं हटना, गेम खेलने दे अभी मेरे को शांति से। तो लोबी में हम रखेंगे अल्ट्रा HD प्लस अल्ट्रा। सो गाइस हम अपना एक अरीना का मैच खेल के देखें कैसा जाता कैसा नहीं जाता। तो अभी स्क्रीन वो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, और अपना हमारा मॉन्स्टर मोड ऑन है। तो गाइस फोन मेरे को पता वैसे सब लोगों को अच्छा लगा है, और अगर तुमने लाइक नहीं किया ना भाई से बता रहा हूँ तुम्हें पाप चढ़ेगा बहुत गंदा, बहुत मेहनत लगी भाई वीडियो एडिट करने में, तो भाई कर देना। और काफ़ी अच्छा फ़ोन लगा मेरे को यार, फिंगरप्रिंट भी आपको इसके अंदर ही देखने को मिल जाता है, और मतलब फोकस वोकस काफ़ी अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा जल्दी निकालता है। अब लास्ट चीज़ें रखी, लास्ट चीज़ में आपको बता के वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ, तो पहले हम बात करते हैं भाई अंतु स्कोर की बात कर लेते, मैंने स्क्रीनशॉट रखा था अंतु को। तो गाइस 839,934 का आपको अंतु स्कोर देखने को मिलता है, क्योंकि भाई गेमिंग के लिए ना बस 500,000 का अंतु को स्कोर चाहिए होता है, मतलब बेस्ट गेमिंग के लिए भाई 800,000 दे रहा, मतलब फ़ोन काफ़ी ज़्यादा इंसेन है, मतलब क्या बताऊँ बहुत तगड़ा फोन है आप ले सकते हो, और मतलब फ़ोन होना भी चाहिए अच्छा। तो ये प्री इंस्टॉल ऐप्स है जो कि आप देख सकते हो, ये सारे ऐप्स इसके अंदर इंस्टॉल ऑलरेडी आए थे, तो मतलब इसमें कोई वैसे ऐड वैड नहीं हो रही ज़्यादा, एक नंबर का चलेगा तू साले। चल बस हो गया। और आप स्कोर्स वगैरह जो भी है बेंच स्कोर्स भी आप दे सकते हो, काफी अच्छे बेंच स्कोर्स इसने निकाल के हमें दिए हैं, तो अच्छा है। सो गाइस आज के लिए इतना ही, और एक बोनस फैक्ट देना चाहूंगा जिसमें आप में से कई लोग यार पबजी मोबाइल खेलते हो गए, तो उसमें यार आपको 90fps मिलता है, और BGMI में 90fps नहीं मिलता, बट उसमें 90fps मिलता है। बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इस वीडियो भाई मेरे को लाइक चाहिए अच्छे खासे, मेरे को नहीं पता शेयर भी कर देना। तो भाई आज के लिए इतना ही, मैं जाता मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।